पानीपत के चर्चित हैंड कांस्टेबल आशीष कुमार उर्फ सिंगम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी शशांक कुमार सावर ने आशीष को तत्काल प्रभाव से नौकरी से सेवामुक्त कर दिया है। आशीष के डिसमिस ऑर्डर में तीन बड़े बिंदु लिखे गए हैं, जिसमें पहला लगातार अनुशासनहीनता में रहना है, दूसरा वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहकर प्रशासन को ही चुनौती देना है, तीसरा बड़ा बिंदु लिखा है कि हमेशा प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने की है, यानी रक्षक ही भक्षक बनने की बात को इसमें दर्शाया गया है। गत दिनों आशीष ने शहर में टीडीआई पुल के पास कुछ पुलिसकर्मियों और निजी वाहन चालकों की वीडियो बनाई थी, जिसमें आशीष ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। इसी बात पर वहां तैनात एएसआई और आशीष में सड़क पर ही हाथापाई हो गई थी, जिसकी वीडियो भी आशीष ने बनाकर वायरल की थी। इस मामले में आशीष पर कई धाराओं में सेक्टर 13-17 थाना में केस दर्ज हुआ था। साथ ही उन निजी वाहन चालकों के कोर्ट में सीआरपीसी 164 के बयान दर्ज करवाए गए थे, जिनसे रुपए लेने की आशीष ने बात कही थी। इन बयानों में तीनों ड्राइवरों ने रुपए लेन देन की बात को इनकार कर दिया था। केस दर्ज होने का पता लगने के बाद आशीष ने खुद गिरफ्तारी देने की बात कही थी, मगर इससे पहले ही पुलिस ने उसे सरकारी क्वार्टर से गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सभी पहलुओं को सुनने के बाद आशीष को जेल भेज दिया था। अगले दिन उसकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। 7 दिन बाद दोबारा याचिका लगाई तो वह मंजूर हो गई। फिलहाल आशीष जेल से बाहर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।